हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे हमारी सुबह 9 बजे की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम सुबह 9 बजे डेली 20 MCQs करते हैं। इससे पहले हम इंडियन एविडेंस एक्ट कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो है IPC की। अब जो क्वेश्चन है आप सबका वो ये कि क्या नया एक्ट आ जाने के बाद ये सब जो हमने पहले पढ़ा है ये सब पढ़ना ज़रूरी है? तो हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेबस बढ़ा है, आपको पुराना भी पढ़ना है, आपको नया भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पुराने वाले में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि जिस्ट तो सेम ही है, डेफिनेशंस कोई चेंज नहीं हुई है, कुछ एडिशन हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या फिर इंटरेक्टिव सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। अबेटमेंट अंडर 107 कैन बी इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी या फिर इंटेंशनल एड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 102, अबेटर इज अ पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस, हु इंस्टिगेट कमीशन ऑफ ऑफेंस, अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड, हु इज इनोसेंट। तो अबेटर वो पर्सन है जो उकसाता है काम करने के लिए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 103, क्वेश्चन इज फॉर अबेटमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड सक्सेसफुली, इट इज़ नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड दो अनसक्सेसफुली, इट इज़ नॉट नेसेसरी अबेटेड एक्ट शुड बी कमिटेड और नॉट। ठीक है, हो या ना हो ज़रूरी नहीं होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, फॉर अबेटमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस अंडर लॉ, नहीं ये ज़रूरी नहीं होता है, इवन वो माइनर को भी अबेट कर सकता है। इट इज़ नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन, नो। इट इज़ नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर द लॉ और शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन इज अंडर IPC देयर कैन बी अबेटमेंट टू अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और एन इन्फेंट बोथ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 106, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज कोई ऑफेंस को अबेट किया, ऑलवेज एन ऑफेंस, नेवर एन ऑफेंस, मे बी एन ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस बट नॉट ऑलवेज, मे नॉट बी ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो अबेटमेंट क्या है, हमेशा ही एक ऑफेंस होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 107, इफ़ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस द अबेटर इज पनिशेबल विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, इफ द ऑफेंस कमिटेड इज द सेम एज अबेटेड, इफ द ऑफेंस कमिटेड इज डिफरेंट फ्रॉम वन अबेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इफ द डूअर कमिट्स द ऑफेंस विद डिफरेंट इंटेंशन, तो इन सभी केसेस में, ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन मे बी, कैसे हो सकते हैं इंस्टिगेशन से, बाय वर्ड्स, बाय लेटर, बाय कंडक्ट, तो किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, अबेटमेंट इज कंप्लीट एज सून एज द अबेटर हैज इंसाइटेड अनदर टू कमिट द ऑफेंस, द पर्सन इंस्टिगेटेड हैज डन सम ओवरट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन, द ऑफेंस अबेटेड हैज़ बिन कमिटेड। देखिए, कमिट करना ज़रूरी नहीं होता, जैसे ही बोला तभी ही अबेटमेंट कंप्लीट हो गई, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक्स ऑर्डर्ड हिज एम्प्लॉय वाई टू बी जेड, वाई रिफ्यूजेज, नाउ एक्स हैज़ कमिटेड अबेटमेंट एंड वाई हैज़ कमिटेड असॉल्ट, एक्स हैज़ कमिटेड अबेटमेंट, वाई हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो उसने उसको अबेट किया पर उसने ऑफेंस नहीं किया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 111, नो क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर अबेटमेंट अराइज इफ द एक्ट अबेटेड इज एन ऑफेंस, इफ द एक्ट अबेटेड इज नॉट एन ऑफेंस, इफ द एक्ट अबेटेड इज मोरली रॉन्ग, बोथ बी एंड सी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो एक्ट करने के लिए अबेट किया वो ऑफेंस है ही नहीं, वो मोरल रोंग है, ठीक है, तो इस केस में कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं हम, क्वेश्चन है कॉन्स्पिरेसी हैज़ बिन डिफाइंड, कहाँ पर कॉन्स्पिरेसी डिफाइन की गई है,
120 ए में, और पनिशेबल का है 120 बी में। हर बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आप ये कर सकते हो। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। फॉर कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर, कितने पर्सन्स चाहिए होते हैं कॉन्स्पिरेसी के लिए, तो दो। अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेयर एग्रीमेंट इज मेड एन ऑफेंस इवन नो स्टेप इज टेकन, मेयर एग्रीमेंट इज नॉट मेड एन ऑफेंस अनलेस स्टेप इज टेकन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेयर एग्रीमेंट सफिशेंट होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। नेक्स्ट 115, कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेज वॉर हमें कहाँ पर दी गई है, वेज वॉर की कॉन्स्पिरेसी ये दी गई है हमें 121 ए में, ठीक है। नेक्स्ट सेडिशन, सेडिशन हमें कहाँ पर डिफाइन किया गया है, 124 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसअफेक्शन विद इन सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी इंक्लूड्स, डिसअफेक्शन में क्या आता है, डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट नॉट एक्साइटिंग एनी कंटेम्प्ट, डिस अप्रोबेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन है, फॉर एन अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 141 द मिनिमम नंबर, कितने रिक्वायर्ड होते हैं अनलॉफुल असेंबली के लिए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, फॉर एन असेंबली टू बी अनलॉफुल मस्ट हैव कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ काइंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 141, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफाइड टू बी कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन असेंबली टू मेक इट अनलॉफुल अंडर सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, क्या 141 की लिस्ट में नहीं आता है, हमें ये बताना है। ओवरवाइंग द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर, रेजिस्टेंस टू लीगल प्रोसेस, फोर्सिबली पोजेशन और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये ऊपर वाले सभी जो है ये आते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, और अब तक हम 120 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल जा रही होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।